भिंड लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान कांग्रेस विधायक का विवादित भड़काऊ बयान सामने आया है। हमेशा विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में रहने वाले कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का एक बार फिर से विवादित भड़काऊ बयान सामने आया। इस बार बरैया ने दलितों और मुसलमानों को उनकी गर्दन काटे जाने का डर दिखाते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार को टारगेट किया है। इतना ही नहीं, बरैया ने सीएए का विरोध करते हुए देश के मुसलमानों का डीएनए टेस्ट करवाकर मुस्लिमों को देश से बाहर करने का विवादित भड़काऊ बयान भी दिया है। फूल सिंह बरैया ने अपने बयान में कहा कि वैसे तो बीजेपी का केंद्र की सत्ता में वापस आना अब काल्पनिक लगता है, फिर भी बीजेपी यदि केंद्र की सत्ता में रहती है तो सबसे पहले मुसलमान और दलितों की गर्दन काटेगी। बरैया ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए धमकी भी दी है और कहा कि संविधान के ऊपर यदि भाजपा और उनकी सरकार ने उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें देख सभी दंग रह जाएंगे। देश भर में ये सभी अपना लहू बहाने तैयार बैठे हैं। ये सभी करोड़ों लोग इतना खून बहाएंगे कि उसमें चंबल नदी को ही बहा ले जाएंगे। बीजेपी की, वैसे मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी अगर सत्ता में रहती है, ये तो नहीं कहूँगा कि फिर सत्ता में आएगी, नहीं आप लोग पकड़ लेंगे। सत्ता में अगर रहती है तो मुसलमानों का, दलितों का सबसे पहले अगर गर्दन काटी जाएगी तो इनकी काटेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका एक बयान सुर्खियों में रहा है जिसमें आपने कहा है कि अब जरूरत पड़ेगी संविधान को बचाने के लिए, तो चंबल में खून बहाने की तैयार होता है? आज भी तैयार हूँ, बिल्कुल। संविधान के ऊपर अगर इन्होंने उंगली उठाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने, तो करोड़ों लोग, इतने करोड़ लोग हैं आप सुनकर के दंग रह जाएंगे, इतने करोड़ लोग अपना लहू बहा करके चंबल को बहा देंगे। बरैया यहीं नहीं रुके, बरैया ने सीए को लेकर अपना विरोध जताते हुए भी विवादित मांग कर डाली। बरैया ने मुस्लिमों का डीएनए टेस्ट करवा कर देश के बाहर करने का चैलेंज भी केंद्र सरकार को दिया है। मैं आपको इतिहास की बात बता रहा हूँ। आपने कहा बाहर से आए, ये देश आक्रांताओं को देश रहा है। कौन कहाँ से आया, किसने कब आक्रमण किया, वो लोग उसके रह गए यहाँ पर, तो क्या आप ये सर्वे कराएंगे कौन लोग यहाँ के इंडियन है कौन बाहर के? आधा इंडिया बाहर का निकलेगा। मुस्लिमों को टारगेट बना रहे हैं, वो कमजोर लोगों को हमेशा टारगेट बनाते हैं, वो ताकतवर से कभी नहीं लड़ते। आपने कहा कि आधा इंडिया जो है विदेशी निकलेगा अगर वो नहीं, इस ये वो कह रहा है ऐतिहासिक विदेशी है मुसलमान पंडित जवाहरलाल। हाँ मैम, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं आंकड़ों के अलावा बात नहीं करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड फेमस किताब है। अब उसको नकार देना तो नकार देना कोई बात नहीं, मैं उसका हवाला दे के बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो मुसलमान हैं, इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसकी लाइन खींचिए, उसमें 98% जो मुसलमान हैं वो इंडिया का कन्वर्टेड मुसलमान है। 98% 2% मुसलमान हैं जो विदेशी, तो छांटिए ना उनका डीएनए टेस्ट करा के, उनको बाहर करिए नहीं। 98% को तो नहीं करेंगे, सभी है। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं, मतलब इंडियन हैं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ भाई। हिंदू उस समय जब बात थी तब तो हिंदू ये भी नहीं कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, ये तो हिंदू अभी से कहने लगे नहीं, 400-500-700 साल से। इसके पहले इन्होंने कभी नहीं कहा था हम हिंदू हैं। तो मैं ना जब की बात कर रहा हूँ, जब मुसलमानों में जो लोगों का कन्वर्सन हुआ तो उसमें 98% पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा है कि 98% मुसलमान जो इंडिया का कन्वर्टेड आदमी है, इंसान है। अब उसको विदेशी कैसे कहोगे आप? सरकार ने क्या सोचते देश की सरकार जो भी कानून वैसे तो लागू करती है, जो भी कानून, उसके मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि उनका कोई भी कानून जब लागू होता है वो राष्ट्र के खिलाफ होता है, 140 करोड़ लोगों के खिलाफ होता है, शांति के खिलाफ होता है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होता है। तो इसलिए मैं उस फैसले को सत्य स्वास्थ्य नहीं मानता हूँ। फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को भिंड से अपने प्रत्याशी बनाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपनी वर्तमान सांसद संध्या राय को ही यहां से टिकट दिया है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।